फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे कुछ गोल्डन रूल्स जो आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर को एफिशिएंट बनाएगा। चलिए जानते हैं वो गोल्डन रूल्स क्या है। इस गोल्डन रूल्स आपको बोलेंगे ये मेंटेनेंस के बारे में होता है। आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो आपको दोनों टाइप का मेंटेनेंस चाहिए। जो पहला वाला होता है इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अनदर टाइप जो मेंटेनेंस आप कर सकते हैं आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर में, उसको हम बोलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है जिसको आप खुद करेंगे, डू इट योरसेल्फ। आप करेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं तो आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। चलिए हम जानते हैं कि आपका जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस होता है, ये दोनों में अच्छा कौन है। आपके पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑप्शन है और करेक्टिव मेंटेनेंस ऑप्शन भी है। आप जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो आप तो इसको खुद करेंगे, डू इट योरसेल्फ। करेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं तो इसको मिटाने के लिए मेंटेनेंस करेंगे। आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लेते हैं तो आपका स्कूटर मोर रिलायबल होता है। आप सोचते हैं आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर है कभी रास्ते में जो बंद हो जाता है, मगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लेते हैं तो आपका स्कूटर कभी बंद नहीं होगा रास्ते में। आप करेक्टिव मेंटेनेंस लेते हैं तो आपको क्या होगा, 1/3 टाइम आप स्कूटर को नहीं चलाना, क्योंकि आप मैकेनिक के पास जाते हैं जब आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रॉब्लम दिखाता है और मैकेनिक आपको तुरंत रिपेयर करके नहीं दे सकेंगे, वो भी बिजी है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर को गैरेज में छोड़ कर रखना पड़ेगा। So you cannot ride your electric scooter 1/3 time. Preventive maintenance लेते हैं तो आपका benefit ये है कि आपका पैसा खर्चा करना पड़ेगा वो negligible होता है। You're going to spend negligible amount to have the preventive maintenance. आप corrective maintenance लेते हैं तो आपको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो corrective maintenance होता है ये mechanic ही उसको ठीक करेंगे और उसमें कुछ भी पार्ट भी लग सकता है। आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर में कुछ भी चेंज हो सकता है, तो आपके पास जो इन्वॉल्वमेंट होता है तो पैसा वो ज्यादा होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बेनिफिट। आप जो हजार्ड्स होता है उसको दूर रख सकते हैं, हजार्ड से दूर रह सकते हैं, क्योंकि आप जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है आप खुद करते हैं, आप स्कूटर रिलायबल होता है। आप जो सोचते हैं कि कभी कभी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग जाता है, वो जो हजार्ड आप देखते हैं ये कभी भी नहीं होगा। आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लेते हैं तो मेंटेनेंस में हजार्ड कभी भी आ सकता है। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस, ये दोनों मेंटेनेंस में आज हम बात करेंगे। जो मोस्ट रिलायबल मेंटेनेंस आप को चाहिए वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। आप खुद करेंगे, पैसा भी कम खर्चा होगा, हजार भी दूर होगा और आपका स्कूटर भी लॉन्ग रन चला सके। तो फ्रेंड्स, जो आपका पहला प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लेना चाहिए आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर में वो होता है टायर मेंटेनेंस। आपका जो मैन्युफैक्चर है वो बताएंगे आपको आपको टायर में कितना प्रेशर देना चाहिए, ड्रेन बहुत फास्टर होगा। आपको बैटरी ड्रेन होता है तो आपका माइलेज भी कम हो सकता है, आप लेस टायर प्रेशर देने से। और सेकेंड का प्रॉब्लम क्या है, लेस टायर प्रेशर देने से आपका जो गाड़ी का स्पीड वो कम हो जाएगा। और थर्ड प्रॉब्लम क्या आप फेस करेंगे, आपका टायर प्रेशर लेस है तो
कम है तो आप गाय इलेक्ट्रिक स्कूटर को रेन में चला रहे हैं तो स्लिपिंग का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है क्या आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो टायर है उसमें एक्यूरेट प्रेशर होना चाहिए और कितना एक्यूरेट प्रेशर है आपका मैन्युफैक्चरर ने वो मैनुअल में लिखा है एग्जैक्टली आपका प्रेशर योर टायर इन गुड कंडीशन। सो एक्यूरेट टायर प्रेशर इज वेरी एसेंशियल। आप टायर प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा, यू फील अनकम्फर्टेबल ड्यूरिंग द राइड। सो टायर प्रेशर ज़्यादा होने से भी आप अनकम्फर्ट होगे, कम होने से आपका बहुत सारा तकलीफ फेस करना पड़ेगा आपको। द सेकेंड प्रिवेंटेटिव मेजर है आपका बैटरी, जो मेंटेनेंस प्लेज द क्रूशियल रोल इन इलेक्ट्रिक स्कूटर। बैटरी अच्छा है तो आपका माइलेज भी अच्छा होगा और स्पार्क नहीं कर पाएंगे। आप भूल से आपका चार्जर को बूट स्पेस में रख दिए तो और आपका बैटरी कंप्लीट ड्रेन हो गया तो वो चार्जर भी आप निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए आपका बैटरी को कंप्लीटली ड्रेन कभी भी नहीं करना चाहिए। कंप्लीटली ड्रेन होने से क्या होता है, उसका जो परफॉर्मेंस है बैटरी का पोर हो जाएगा। सेकेंड मेंटेनेंस आपका जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है बैटरी के लिए क्या है, आपका जो जेन्युइन चार्जर दिए गए हैं उसी चार्जर से आपको बैटरी को चार्ज करना है। आप कोई कंपैटिबल चार्जर से कभी भी आपको बैटरी का चार्ज मत करिए। आप कंपैटिबल चार्जर से बैटरी चार्ज करने से क्या होगा, वो इम्प्रॉपर वोल्टेज से वो भी बैटरी भी खराब हो सकता है। थर्ड प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर योर बैटरी चार्ज, डू नॉट चार्ज इमीडिएटली आफ्टर राइडिंग। हम कभी कभी क्या करते हैं, स्कूटर को चला के और दिखा क्या उसका बैटरी भी कम हो गया है, इमीडिएटली हम क्या कर देते हैं, स्कूटर को चार्ज में बैठा देते हैं। इसे मत करिए, क्योंकि आप जब गाड़ी चला कर आते हैं उसी टाइम आपका बैटरी भी हट कर बैटरी का परफॉर्मेंस वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए आपको इमीडिएटली आफ्टर राइडिंग बैटरी को चार्ज नहीं करना चाहिए। बस 15 मिनट आपको प्रेस देना है, उसके बाद आप स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज अ वेरी वाइटल पॉइंट, आप कभी भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटर बैटरी को ओवरचार्ज मत करिए। आप सोचते हैं कि 6 घंटा लगता है फुली चार्ज खराब हो जाए, आप सोचते हैं कि आपका बैटरी 6 घंटा लगता है फुली चार्ज के लिए और आप रात भर उसको बैठा देते हैं, प्लग नहीं किए हैं चार्जिंग में, तो आपको क्या होगा, ये आपका बैटरी का परफॉर्मेंस है जो ओवरचार्ज होने से धीरे धीरे कम हो जाएगा। फाइनल प्रिवेंट मेजर है आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए ये वॉशिंग गाइड। आप जब वॉशिंग करते हैं उसी टाइम आपको ध्यान देना है कि आपका स्कूटर स्विच अप हुआ है, स्विच ऑन करके आप कभी भी स्कूटर को वॉश नहीं करना चाहिए, क्यों शॉर्ट सर्किट होने से आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर खराब हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, आप ध्यान दीजिए जब आप वॉशिंग करते हैं, आप सोचते हैं आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरा वाटरप्रूफ है, ऐसे नहीं है। तो आप कभी भी आपका ई स्कूटर को इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो हस होता है जो हाई स्पीड प्रेशर नजल वाला वाटर से आप कभी भी इसको वॉशिंग करना नहीं चाहिए। आप चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर को वॉश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप वार्म वाटर लेना चाहिए और किसी भी सोपर लिक्विड जो डिटर्जेंट होता है आपका गाड़ी को साफ करने के लिए वो लिक्विड ले लीजिए, एक कॉटन क्लॉथ लीजिए, कपड़ा लीजिए, उसको वो जो वार्म वाटर है जो वार्म वाटर है उसमें डाल लीजिए आपका सोप और वॉशिंग लिक्विड, वो कॉटन क्लॉथ को उसमें डिप कर दीजिए, कॉटन क्लॉथ को आप पूरा स्क्वीज कर दिया जितना पानी निकल सकते हो निकाल दीजिए, और जब क्लॉथ को डैम्प क्लॉथ करते हैं उसे, तो डैम्प क्लॉथ से आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर को
वॉश करना है। अब क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। सो यूज ब्रश एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इको क्लीनर टू क्लीन बाय टर्निंग द व्हील्स एंड ब्रशेस। सो ब्रश से आपको स्कूटर का जो व्हील्स होते हैं उसको साफ। कि आप पहले स्कूटर फुली वाटर प्रूफ नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब बारिश होता है आप कोशिश कीजिए बारिश में इलेक्ट्रिक स्कूटर को नहीं चलाने के लिए।